जसोदा फैक्ट्राई में आपका स्वागत है। आपको डेरा सच्चा सौदा के अंदर से सीधी कवरेज दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ लेडीज जुड़ रही हैं जो आज भी यहाँ पर आती हैं। जानते हैं इनसे बातचीत करके आज इनकी कितनी आस्था, कितना विश्वास है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? निर्मला कुमारी। मैम कहाँ से आए हो आप लोग? जैतों पंजाब से। पंजाब से आए हो? हाँ जी। मैम कितना विश्वास है आज आपको सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह? हमें अपने से भी ज्यादा विश्वास है अपने गुरु पर, जिन्होंने जो सिखाया है, जो हमने पाया है। देखना है कि समाज को इसकी कितनी जरूरत है। जो सिखाया गुरुजी ने वो आज भी चल रहा है डेरे में, वैसे ही सब कुछ है। हम आज भी आते हैं, पिछले 30 साल से आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता। समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बुराइयाँ फैली हैं, जो बीमारी फैली है, गुरुजी ने उसके बारे में भी बताया है। अगर हम गुरुजी की शिक्षा पर फॉलो करेंगे तो उस बीमारी का भी निजात पा सकते हैं मैम। लेकिन संत जी के ऊपर तो तमाम इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या मानना है आपका? लगाते रहे, एक और केस और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमारे गुरुजी सच्चे हैं, सच्चे थे और सच्चे ही रहेंगे। ये आरोप सब दुनिया के झूठे आरोप है। मैम क्यों लगाए जा रहे हैं, मतलब क्यों एक संत को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्यों बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? शुरू से होता आ रहा है धर्म के साथ जी। ये शुरू से होता आ रहा है। जैसे बुराई की अच्छाई पर हमेशा ही ऐसी बहस चलती रही है, लेकिन अच्छाई कभी छुपती नहीं है। थोड़े टाइम के लिए तो छुप सकती है, लेकिन आखिर में सच का ही सूरज चढ़ता है। हमारे गुरुजी सच्चे संत हैं और सच्चे ही रहेंगे। उन्होंने लाखों करोड़ों घरों का नशा छुड़ाया, बुराइयाँ छुड़ाकर स्वर्ग जैसा माहौल बना दिया उनका, ठीक है। इसी करके ही इतनी संगत, इतने लोग जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हैं और ऐसे जुड़े रहेंगे। इनकी ये झूठी बातों से वो प्रभावित नहीं होंगे। हमें गुरुजी ने इतनी नेक शिक्षा दी है, इतना हमारे घरों में सुख शांति दी है, बरकतें दी हैं, तो कैसे भूल जाएं गुरु को? जैसे ग्रंथों में लिखा है गुरु की महिमा, वैसे ही हमारे गुरु महान है। गुरु जी है हमारे गुरु में, जो गीता कुरान में, गुरु ग्रंथ साहब में साधु संतों के गुण बताए हैं ना, वो सभी गुण हमारे गुरु में हैं। हमने देखा है, तभी हमने उनको गुरु बनाया है। मैम उन्होंने, संत जी ने किस धर्म की शिक्षा देते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म, किसी एक विशेष धर्म की बात करते हैं वो? सभी धर्मों की शिक्षा देते हैं। वे बताते हैं कि सभी धर्म एक हैं, भगवान एक है, रास्ते अलग अलग हैं। सभी धर्मों की वो आप ही पूरी सत्कार करते हैं और हमें भी यही शिक्षा देते हैं कि सभी धर्मों का सत्कार करना है। मैम जो पंजाब में मुद्दा उठाया जा रहा है अभी, उसके बारे में क्या कहोगे? ये सिर्फ झूठा है, ये शरारती अंसर है, नशा तस्करी वाले लोग हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शैतान लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। गुरु जी खुद भी गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत अच्छी तरह से इज्जत करते थे, सत्कार करते थे, और हमें भी यही सिखाया है कि कोई भी धर्म है, हमने उनका पूरा सम्मान करना है, उनकी शिक्षाओं पर चलना है। मैम 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया है संत जी समाज में नहीं है, लोगों के बीच में नहीं है, आपको क्या लगता है उनके ना रहने से क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बुराइयाँ बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोग बच्चे नशों की तरफ जा रहे हैं, उन्हें अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है। साधु संत हैं जो समाज को अच्छी सेध देते हैं, और उनके बिना हमें ये सब जहाँ सुनना सुना लग रहा है कि हमारे बच्चों को कहाँ कौन अच्छी शिक्षा देगा। जरूरत लगती है मैम संत? बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? यही कि हमारे गुरु को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए और उन्हें अच्छे नेक कार्य वो हमें करने के लिए जो प्रोत्साहित करते हैं वो अभी हमें कौन करेगा उनके बिना। हमें बहुत मुश्किल हो रही है अपने गुरुजी के बिना। तो हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है, अगर गुरुजी थोड़ा सा और रहे, समाज में इतना कलयुग आ जाएगा, भयानक कलयुग, कि सरकार को उसको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा करें, ताकि समाज में बुराइयों को दूर करें। वो दूर करते हैं, करेंगे, और मानवता तो भलाई के कार्य बढ़ चढ़ के हम भी उसमें भाग लेते हैं। आपको क्या लगता है ये जो सजा है ये किसको मिल रही है, जब से संत जी नहीं है 4 सालों से ज्यादा समय हो गया, ये बेसिकली सजा मिल किसको रही है? ये सजा तो समाज को मिल रही है, समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं, नौजवान गलत राह पे जा रहे हैं, नशा बढ़ रहा है और बुराइयां बढ़ रही हैं। अगर संत जी समाज में होते तो हो सकता है सतयुग के नजदीक हो जाते, लेकिन जैसे जैसे वो समय बढ़ रहा है समाज में बुराइयां ज्यादा बढ़ रही हैं। क्या मांग करोगे आप अपनी तरफ से? हम तो अपने सरकार से ये मांग करते हैं कि गुरु जी को जल्द से जल्द रिहा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के लिए। रिहाई की अपील जनता के द्वारा की जा रही है। पंजाब से ये लेडीज हमारे साथ जुड़ी थी, जिनका कहना है कि जो भी आरोप है वो झूठे लगाए जा रहे हैं। जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा समाज में नहीं है, समाज में नशा फैलता जा रहा है, जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा दूर हो, जो तस्करी वाले लोग हैं, नशा बेचने वाले लोग हैं, उन्होंने संत जी को समाज से झूठे आरोप लगा के दूर किया है। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें जनता के साथ, सीधी आपको जनता की आवाज़
आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जे कोई सूत्र नहीं है, जे कोई एक्चुअली में कोई ऐसे कोई हम किसी से वो नहीं कर रहे, ये एक्चुअली में लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं। आप भी देखते रहिए जीवित सूत्रों की जुबानी। डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा का असली सच। बहुत बहुत धन्यवाद।